बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 का 6th लेक्चर है बेटा, और हमारा टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। क्या टॉपिक है आज का आपका? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस की आप तारीख बेटा कर चुके हैं, मैं तारीख लिखता हूँ इसके सामने कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ होल सेल, पूरे सेल को तकसीम करना, या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया बेटा, ये इसकी क्या हो गया डेफिनेशन। ओके, अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस जो होती है पौधे और जानवरों में बेटा मुख्तलिफ होती है। साइटोकाइनेसिस का अमल पौधे और जानवरों में मुख्तलिफ होता है। सो हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस पहले किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। साइटोकाइनेसिस किसके अंदर बेटा? एनिमल सेल के अंदर। साइटोकाइनेसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर इन द एनिमल सेल। उसके बाद देखेंगे हम साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। सो ये दो हमने शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग लेट टीलोफेज, यानी कि जब टीलोफेज इख्ताम हो रहा हो, जब टीलोफेज का इख्ताम हो रहा हो तो फिर क्या होता है? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सेंड सिग्नल टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल वेयर एक्टिन एंड मायोसिन आर एक्टिवेटेड विच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है बेटा, ठीक हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ओके, सो अपने डायग्राम से मैं आपको बताता जाता हूँ बेटा। ओके, डायग्राम देखें कि होता क्या है कि जब लेट टीलोफेज हो बेटा, क्या हो? लेट टीलोफेज हो तो आपको पता होना चाहिए ये सेंट्रियोल है बेटा, ये सेंट्रियोल, ये भी सेंट्रियोल, ये जो फाइबर बाहर की तरफ जाते हैं रेडिएट आउटवर्ड एंड फॉर्म एस्टर, उनको क्या बोलते हो आप? उनको आप बोलते हो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। उनको क्या बोलते हैं बेटा हम? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया बेटा, इनको हम किसका नाम देते हैं? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल का। ये भी एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल और ये भी क्या है? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। कब की बात हो रही है? लेट टीलोफेज की बात हो रही है बेटा। लेट टीलोफेज यानी कि टीलोफेज जब एंड फेजेस पे पहुंचे, आखिरी मरहले पे पहुंचे, उसकी बात हो रही है। सो लेट टीलोफेज में होता क्या है? जो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा वो इक्वेटोरियल रीजन की तरफ सिग्नल भेजते हैं। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल किस रीजन की तरफ सिग्नल भेजते हैं? इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं सेल का क्या? सेंटर, सेल के वस्त की तरफ। ठीक हो गया, तो क्या हुआ कि लेट टीलोफेज में किसने? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल ने क्या भेजे? सिग्नल भेजे किसकी तरफ? इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। और वहां पे एक्टिन और मायोसिन होती हैं। वहां पे कौन मौजूद होती है बेटा? वहां पे एक्टिन और मायोसिन मौजूद होती हैं। ठीक हो गया, वहाँ पे कौन होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं जिनको कहते हैं एक्टिन, और मायोसिन मौजूद होती हैं और वो एक्टिव हो जाती हैं। सिग्नल जैसे ही उनको मिलता है तो वो क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं। और वो वहाँ पे क्या बनाती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाती हैं। ठीक हो गया, क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बेटा बन गया फॉलोड बाय क्लीवेज फरो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिंग होता है उसके बाद क्या बनती है? क्लीवेज फरो बनती है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के बाद क्या बनती है बेटा? एक क्लीवेज फरो, ऐसे सेल के अंदर की तरफ एक दरार चलती है, सेल अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाता है, सेल अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाता है। और उसके बाद मजीद ये जो क्लीवेज फरो है गहरी से गहरी होती जाती है। क्लीवेज फरो क्या हो रही है? गहरी से गहरी। और आखिरकार, और आखिरकार एक सेल को दो सेल में क्या कर देती है बेटा? तकसीम कर देती है। ये आप न्यूक्लियस ऑलरेडी तकसीम हो चुका है। न्यूक्लियस क्या हो चुका है? ऑलरेडी तकसीम हो चुका है। ये क्रोमाटिन है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमाटिन है, ये न्यूक्लियोलस है। तो सेल न्यूक्लियस ऑलरेडी तकसीम हुआ है। अब कौन तकसीम हो चुका है? सेल भी तकसीम हो चुका है। और एक सेल से कितने सेल बन गए? दो सेल बन गए। सो आपने क्या सीखा? आपने कहा जैसे ही टीलोफेज का इख्तिताम हो रहा हो, लेट टीलोफेज के दौरान जो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेल के वस्त की तरफ, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ सिग्नल भेजते हैं, और वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन क्या हो जाती हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं। उनके एक्टिवेट होने से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनने के बाद क्या पैदा होती है? क्लीवेज फरो। ये जो अंदर की तरफ दरार वगैरह, इसको बोलते हैं
क्लीवेज फरो और सेल अंदर की तरफ दबता है और वो जो क्लीवेज फरो होते हैं डीप एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल, वो क्लीवेज फरो जो होती है वो सेल के सेंटर की तरफ क्या होती जाती है, डीप होती जाती है। क्लीवेज फरो सेल के सेंटर की तरफ डीप होती जाती है और आखिरकार एक सेल को कितने में तकसीम कर देती है बेटा, दो में तकसीम कर देती है। इसको कहते हैं साइटोकिनेसिस इन द एनिमल, साइटोकिनेसिस इन द एनिमल सेल किसके जरिए हुई, कंट्रैक्टाइल रिंग के जरिए हुई। दूसरा लफ्ज जो आपने याद रखना है वो आपने क्लीवेज फरो, ठीक हो गया, ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस किसके जरिए होती है, कंट्रैक्टाइल रिंग या क्लीवेज फरो के जरिए होती है। देख लें, रीडिंग कर लेते हैं कि ड्यूरिंग लेट टिलोफेज एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल सेंड सिग्नल टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल वेयर एक्टिन एंड मायोसिन आर एक्टिवेटेड व्हिच फॉर्म कंट्रैक्टाइल रिंग। कंट्रैक्टाइल रिंग बनने के बाद क्या होगा, फॉलोड बाय क्लीवेज फरो, उसके बाद क्या बनेगी, क्लीवेज फरो बन जाएगी। वो क्या करेगी, विच डीपन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल, जो सेल के वस्त में गहरी होती जाएगी, डिवाइडिंग द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल, और पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में क्या कर देगी बेटा, तकसीम कर देगी। आगे चलते हैं कि मेटासिस, जो पौधों और जानवरों की मेटासिस उसमें क्या क्या फर्क है, पौधों और जो जानवरों की मेटासिस है उसमें क्या क्या फर्क है बेटा। माइटोटिक इवेंट इन द प्लांट आर जनरली सिमिलर टू द इवेंट ऑब्जर्व इन द एनिमल। उसने कहा आमतौर पर जो मेटासिस पौधों की होती है वो मिलती जुलती है जानवरों के साथ, बट देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस, तहम कुछ बड़े बड़े फर्क भी हैं। पौधों की मेटासिस और जानवर की मेटासिस तकरीबन क्या है बेटा, मिलती जुलती है, तहम कुछ फर्क भी हैं। मोस्ट प्लांट लैक विजिबल सेंट्रियोल, आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर पौधों में विजिबल सेंट्रियोल नहीं होता बेटा, ज़्यादातर पौधों में विजिबल सेंट्रियोल नहीं होता, इंस्टेड दे हैव इट्स एनालोगस रीजन। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, एक एनालोगस रीजन होता है किसका, सेंट्रियोल का, फ्रॉम विच स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल रेडिएट, जहाँ से क्या बनते हैं बेटा, जहाँ से बनते हैं स्पिंडल फाइबर बनते हैं। जब देख ले फर्क, किसका फर्क बताया जा रहा है आपको बेटा, डिफरेंस बिटवीन द मेटाटिक इवेंट इन द प्लांट एंड द एनिमल सेल। ये बेटा किसका सेल है, पौधे का सेल है, और ये किसका सेल है, एनिमल सेल है। और क्या करने लगे हो आप, फर्क पढ़ने लगे हो, डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ मेटाटिक इवेंट्स, डिफरेंस ऑफ माइटोटिक इवेंट्स किसके अंदर, इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। आपने कहा ज्यादातर जो खसूसियात होती है, इवेंट होती है, उसी मिला होते हैं, तमाम कुछ फर्क भी है। पहला फर्क क्या है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल्स हैं पौधों में, माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल वो किधर से बनते हैं बेटा, वो एनालोगस रीजन से बनते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल नहीं होता, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल नहीं होता। यहाँ पे कहाँ से बनते हैं वो, यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल या स्पिंडल किधर से बनते हैं बेटा, सेंट्रियोल से बनते हैं। जानवरों में सेंट्रियोल्स होते हैं और उनसे क्या बनता है, मेटाटिक अपरेटस बनता है या स्पिंडल बनते हैं। दूसरी बात बेटा, जो प्लांट का सेल है, जो प्लांट का सेल है उसकी शेप नॉट चेंज टू मच। मेटासिस के दौरान जो पौधे का सेल होता है उसकी शेप इतनी ज्यादा तब्दील नहीं होती, जबकि जानवर के सेल में उसकी शेप चेंज होती है, काफी चेंज होती है। अब जानवर के सेल की शक्ल काफी चेंज होती है और पौधे के सेल की शक्ल मेटासिस के दौरान इतनी चेंज नहीं होती। क्यों, क्योंकि पौधे के सेल के बाहर रिजिड सख्त क्या होती है, सेल वाल होती है। क्या होती है बेटा, सो पौधे के सेल के गिर्द सख्त सेल वाल होती है, लिहाजा पौधे का जो सेल होता है वो मेटासिस के दौरान इतना चेंज नहीं होता। पौधे, जबकि जानवर के सेल के गिर्द सेल वाल नहीं होती, लिहाजा और जानवर का सेल मेटासिस के दौरान काफ़ी चेंज होता है। तीसरा और आखिरी फर्क बेटा ये है कि यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होती है पौधों में, साइटोकाइनेसिस किसके जरिए होती है, फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होती है। इसको भी देखते हैं अभी, ठीक है, कि पौधों में साइटोकाइनेसिस का अमल किसके जरिए होता है, फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होता है। साइटोकाइनेसिस का अमल पौधों में किसके जरिए होता है बेटा, फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होता है, जबकि जानवरों में वो किसके जरिए होता है, कंट्रैक्टाइल रिंग, कंट्रैक्टाइल रिंग या जिसको आपने कहा क्लीवेज, ठीक होगी बेटा।
तो ये तीन फर्क होते हैं मेटाटिक इवेंट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। देख लें कि मेटाटिक इवेंट इन प्लांट आर जनरली सिमिलर टू द इवेंट ऑब्जर्व्ड, मेटाटिक इवेंट इन द प्लांट आर जनरली सिमिलर टू द इवेंट ऑब्जर्व्ड इन द एनिमल सेल, बट देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस। कौन कौन से? पहला, मोस्ट प्लांट लैक विजिबल सेंट्रियोल, इंस्टेड दे हैव इट्स एनालॉगस रीजन फ्रॉम व्हिच द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट। इसको डायग्राम में देख लेते हैं दफा। ये बेटा पौधे का सेल है, पौधे का जो सेल होता है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें विजिबल सेंट्रियोल नहीं होते, विजिबल सेंट्रियोल नहीं होते तो वहां पे एक एनालॉगस रीजन होता है, सेंट्रियोल की का एक एनालॉगस रीजन होता है और उन्हीं से क्या बनते हैं, उन्हीं से बनते हैं बेटा स्पिंडल फाइबर, उन्हीं से क्या बनते हैं स्पिंडल फाइबर। सो आपने कहना है कि पौधों में चूंकि वो नहीं होता सेंट्रियोल, लिहाजा वहाँ पे एक एनालॉगस रीजन होता है, ये एनालॉगस रीजन इसको समझे, ये सेंट्रियोल नहीं है बल्कि सेंट्रियोल के क्या है एनालॉगस रीजन है और वहीं से क्या निकलती है माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करती है, वहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल निकलती है। मोर ओवर द शेप ऑफ द प्लांट सेल डज नॉट चेंज ग्रेटली कंपेयर्ड विद द एनिमल सेल, के पौधे के जो सेल की शक्ल है वो इतना ज़्यादा तब्दील नहीं होती जानवर के सेल के मुकाबले में। पौधे क्यों? बिकॉज प्लांट सेल इज बाउंडेड बाई ए रिजिड सेल वॉल, क्योंकि पौधे के सेल के गिर्द क्या होती है सख्त सेल वॉल होती है। अब चलते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट की तरफ। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट आपको बता चुका हूँ कि पौधों में जो साइटोकाइनेसिस होती है बेटा वो किसके जरिए होती है, सेल प्लेट के जरिए होती है, सेल प्लेट या फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होती है, उसको देखते हैं वो क्या है। एट साइटोकाइनेसिस इन प्लेस ऑफ कंट्रैक्टाइल रिंग ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट इज फॉर्म फ्रॉम द वेसिकल विच ओरिजिनेट फ्रॉम द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको देखिएगा कि एट साइटोकाइनेसिस इन प्लेस ऑफ कंट्रैक्टाइल रिंग, अब हम पौधों की पढ़ रहे हैं बेटा, तो पौधों में कंट्रैक्टाइल रिंग नहीं होगा तो उसकी जगह क्या होगा, ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन वाली साख बनती है उसका नाम फ्रैगमोप्लास्ट होता है, इज फॉर्म फ्रॉम वेसिकल, किधर से बनती है वेसिकल से बनती है, वो वेसिकल कहाँ से आते हैं विच ओरिजिनेट फ्रॉम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, वो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से आते हैं। दिस वेसिकल ओरिजिनेट एक्चुअली ड्यूरिंग मेटाफेज लाइन अप इन द सेंटर ऑफ डिवाइडिंग सेल वेयर दे फ्यूज टू फॉर्म फ्रैगमोप्लास्ट एट द एंड ऑफ टीलोफेज। डायग्राम देखें, ये बेटा किसका सेल है, प्लांट सेल है और ये क्या है प्लांट सेल की सेल वॉल है और ये प्लांट सेल की क्या है बेटा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। ये सपोज गॉल्जी अपैरेटस है, ये क्या पढ़े हुए बेटा गॉल्जी अपैरेटस, और उसके बाद अभी फेज कौन सा चल रहा है मेटाफेज, मेटाफेज के दौरान ही गॉल्जी अपैरेटस से वेसिकल बनती है बेटा, मेटाफेज के दौरान ही गॉल्जी अपैरेटस से क्या बनती हैं छोटी छोटी थैलियां बनती हैं और वो सेल के दरमियान जाना शुरू हो जाती हैं और वो सेल के दरमियान में जाना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे वो लाइन होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद वो बाद में मिल जाती हैं बेटा और वो सारी थैलियां बाद में क्या हो जाती हैं मिल जाती हैं और एक मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है फ्रैगमोप्लास्ट। याद रखना ये फ्रैगमोप्लास्ट कब बनती है, एंड ऑफ टीलोफेज बनती है, एंड ऑफ टीलोफेज, जबकि गॉल्जी अपैरेटस वेसिकल कब बनाना शुरू करता है, गॉल्जी अपैरेटस वेसिकल कब बनाना शुरू करता है मेटाफेज के दौरान, गॉल्जी अपैरेटस वेसिकल कब बनाना शुरू करता है मेटाफेज के दौरान, जबकि वो वेसिकल मिलकर फ्रैगमोप्लास्ट कब बनाती है एंड ऑफ द टीलोफेज। सो ये आपने क्लियर किया बेटा कि एट साइटोकाइनेसिस इन प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेसिकल व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम फ्रैगमोप्लास्ट है, वो फ्रैगमोप्लास्ट किससे बनती है वेसिकल से बनती है और वेसिकल का मतलब होता है थैलियां, वो थैलियां किधर से आती हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से आती हैं। दिस वेसिकल ओरिजिनेट एक्चुअली ड्यूरिंग मेटाफेज, ये वेसिकल कब बनी थी मेटाफेज के दौरान बनी थी, उस वक्त लाइन अप इन द सेंटर और फिर वो दरमियान में चली जाती हैं ऑफ डिवाइडिंग सेल तकसीम होते हुए सेल में वे आर डिफ्यूज टू फॉर्म फ्रैगमोप्लास्ट, जहाँ पर वो क्या बनाती है फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट कब बनता है एट द एंड ऑफ टीलोफेज। आगे देखते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल बिकम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डॉटर सेल, ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन होती है बेटा मैं आखिरी वेसिकल दिखा देता हूँ,
ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है, लास्ट वेसिकल, ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो अगले सेल की क्या बन जाती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक हो गया, तो वेसिकल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट सेल की क्या बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल, उस थैली की जो मेम्ब्रेन होती है, बिकम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डॉटर सेल, वो डॉटर सेल की क्या बन जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इनसे कुछ पूछ सकते हैं कि डॉटर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किधर से बनती है, फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल, उस थैली की मेम्ब्रेन से बनती है। सेल वॉल कैसे बनती है, क्योंकि पौधे के सेल में सेल वॉल भी होती है। दिस वेसिकल आल्सो कंटेन मटेरियल फॉर द फ्यूचर सेल वॉल सच एज प्रिकर्सर ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। उसमें वो कह रहे हैं कि जो वेसिकल है इनके अंदर ऐसा मटेरियल मौजूद है, इन वेसिकल के अंदर ऐसा मटेरियल मौजूद है जो कि फ्यूचर सेल वॉल के लिए क्या रखता है, प्रिकर्सर रखता है। प्रिकर्सर का मतलब ये होता है कि आगे जाके उसमें कुछ बनाना होता है। सो वेसिकल के अंदर ऐसा मटेरियल मौजूद है जो कि प्रिकर्सर है और फ्यूचर की क्या बनाएगा, सेल वॉल बनाएगा। और आपको पता है सेल वॉल बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, सेलुलोज और पेक्टिन। सो क्लियर कर ले बेटा, दिस वेसिकल आल्सो कंटेन मटेरियल फॉर फ्यूचर सेल वॉल, इन वेसिकल के अंदर फ्यूचर सेल वॉल बनाने के लिए भी मटेरियल मौजूद होता है, सच एज प्रिकर्सर ऑफ सेलुलोज, के सेलुलोज के भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं और पेक्टिन के भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जिनसे बाद में सेलुलोज बनेगी, जिनसे बाद में पेक्टिन बनेगी, और सेलुलोज पेक्टिन ही मिलकर क्या बनाते हैं, फ्यूचर सेल वॉल बनाते हैं। बेटा ये टॉपिक आपका कवर हुआ, साइक्लिक इन द लास्ट।